राजौरी में हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट करके उनकी किलिंग की गई, उसमें हम अपनी एलजी सरकार को एक जताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जम्मू में यहाँ डोगराओं का अस्तित्व है और वहाँ पर आज डोगराओं को कार्ड देके उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। और उसमें मैं अपनी एलजी सरकार और अपने डीजीपी साहब और वहाँ के आईजी साहब उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि होश में आओ और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर इसको सुधारा ना गया तो आने वाले वक्त में हिंदू जाग जाएगा और यहाँ पे कत्लेआम शुरू होगा, ऐसा नौबत ना आए। इसलिए बार बार यही कहता हूँ कि अपने जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक कीजिए, जैसा भी हो इसको हमें बना के रखना है, इसमें कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। क्योंकि पाकिस्तान की जो बुखलाहट है वो इस जो इन्होंने किया है, नरसंहार जो किया है उससे ये साफ नज़र आ रही है। लेकिन हम इनको वार्न कर देना चाहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ये जो यहाँ पे पनप रही थी, यहाँ की मिलतें सी, अब हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर कंट्रोल कर लिया है। अब इक्का दुक्का जो रह गया है बुखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ हमने ये इधर प्रोटेस्ट किया है ताकि हमारी जो पुलिस है वो भी सतर्क हो जाए और इस तरह से पूरी तरह से मिलिटेंसी पे काबू पाए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। राजौरी के अंदर जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, पूरा देश शोक में है। मासूम हिंदुओं को चुन चुन कर उनके घर पर घुस कर आईडी कार्ड चेक करके मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी एक दुखद घटना है। हम सब उनके जो लोग हैं उनके आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से हम लोग अरदास करते हैं, दुआ करते हैं। और जो ये घटना हुई है ये कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी भी ना चूक, उनमें भी उनकी भी कमी रही है इसमें। और जिन लोगों ने आकर आतंकवादियों ने आकर मासूमों को मारा, तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोकल्स भी वहाँ के इसमें यहाँ तक लगता है वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई बाहर से आतंकवादी आकर किसी के घर में घुस के नहीं मार सकता, तो कहीं ना कहीं ये उन लोकल्स की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी तो अपना अच्छा काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी जो आतंकवादी गतिविधियाँ उनके ऊपर उन्होंने रोक लगाने का पूरी उनकी कोशिश रहती है।
तो ये जो मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारे भारत सरकार ने पहले हमारी आर्मी के साथ मिलकर जो हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी बालाकोट के अंदर, और मिशन ऑल आउट के दौरान जो हजारों मिलिटेंटों को हमारी इंडियन आर्मी ने मार गिराया, तो वैसे ही भी एक द्वारा ऐसी को सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करने का समय आ गया है। और जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं उनको उनके घर में घुस के मारना है, और जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। और जो मिलिटेंट आज भी यहाँ पे है और उनको भी मिशन ऑल आउट जैसे पहले चलाया था वैसे भी चलाया जाए, और उनको चुन चुन कर मारा।